एसी जनरेटर के अंदर एक ही फॉर्मूला किया हमने। क्या फॉर्मूला किया था एसी जनरेटर में? ये किया था कि अगर आपके पास एक कॉइल है और वो गोल घूम रही है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो ईएमएफ कितनी जनरेट होती है? ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, जबकि ई नॉट का मतलब मैक्सिमम ईएमएफ है, जिसका फॉर्मूला एन बी ए ओमेगा। तो जब मैं पूछूंगा मैक्सिमम ईएमएफ निकालो तो फॉर्मूला क्या बोलेंगे? एन बी ए ओमेगा। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो अब क्वेश्चन है, क्लोजली वाउंड रेक्टेंगुलर क्वाइल ऑफ 200 टर्न्स। तो क्या गिवन है? एन। साइज गिवन है, साइज का मतलब एरिया। रोटेटिंग इन मैग्नेटिक इंडक्शन क्या गिवन है? बी। फ्रीक्वेंसी आरपीएम, आरपीएम का मतलब 1800 को 60 से डिवाइड करके आरपीएस का मतलब ओमेगा आ जाएगा, 2π × फ्रीक्वेंसी। अबाउट एक्सेस नॉर्मल टू द फील्ड, कैलकुलेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ। तो बोलो फॉर्मूला एन बी ए ओमेगा आंसर है। बस ये आंसर है, सारी वैल्यूज गिवन है, एन बी ए ओमेगा से आंसर आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? तो एन पता है, एरिया पता है, बी पता है, और फ्रीक्वेंसी से ओमेगा तो निकाल ही लोगे क्योंकि मैक्सिमम है, तो एन बी ए ओमेगा। बस क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? मतलब आपको ना ये मालूम नहीं पड़ेगा कि आपसे बातों बातों में एसी जनरेटर का क्वेश्चन पूछ गया। देखो ना, इसमें दिमाग लग रहा है, जब पेपर में आएगा आपको थोड़ा कह रहे एसी, अगर वो बता ही देगा एसी जनरेटर, फिर तो रट्टे लगे पड़े हैं। इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, एन बी ओमेगा याद आ जाएगा। वो ये नहीं कह रहा ना, वो कह रहा है कॉइल रोटेट कर रहा है, ईएमएफ निकालो। आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये एसी जनरेटर की प्रॉब्लम है। तो क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। फिर से रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसका एरिया गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, एक्सिस पैरेलल टू लॉन्गर साइड, रेवोल्यूशंस पता है तो यहां से ओमेगा आ जाएगा, फील्ड पता है, व्हाट इज द मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस। तो ई नॉट तो बिल्कुल क्लियर है, एन बी ए ओमेगा, बात ही खत्म। फिर से रिपीट है क्वेश्चन, लेकिन इस बार वो ये कह रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यार, ये फंसा लेगा आपको, बता रहा हूं एनसीईआरटी में। जब कॉइल ने फील्ड के साथ एंगल बनाया 60 डिग्री, तो ईएमएफ निकालो क्या होगी? देखो अब ईएमएफ की वैल्यू होती क्या है? एन बी ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी, याद है ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो कितने लोग मानते हैं कि ये एंगल ओमेगा टी है? नहीं मानते? ओमेगा टी कौन सा एंगल होता है बताओ, किसके किसके बीच में एंगल है ओमेगा टी जब एक कॉइल रोटेट करती है? एरिया और बी का, क्योंकि ये फॉर्मूला आया था कहाँ से? पहले फ्लक्स निकाला था। फ्लक्स क्या था याद करो, डेरिवेशन बी ए कॉस ऑफ थीटा। और मैंने कहा था जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में घूमती है तो थीटा को क्या लेते हैं? ओमेगा टी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो याद है सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म में ओमेगा टी लेना होता है। तो मैंने आपको बताया था डेरिवेशन के अंदर कि अगर ये ओमेगा टी है तो ओमेगा टी किसके किसके बीच में एंगल है? बी और एरिया वेक्टर। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि कॉइल इज मेकिंग 60 डिग्री टू द फील्ड, तो यहां पर एंगल किसके बीच में है? कॉइल में और बी में, एरिया और बी में नहीं है, कॉइल में और बी में। अब याद करो ऐसे क्वेश्चन टॉर्क में भी करते थे। अब कॉइल में और बी में एंगल गिवन है, लेकिन मेरे को तो एरिया में निकालना है, तो मुझे 90 में से इसे क्या करना पड़ेगा? 60 - 30 डिग्री ओमेगा टी है। तो ओमेगा टी का मतलब है आपको 90 में से 60 को क्या करना पड़ेगा? माइनस, क्योंकि कॉइल का एंगल गिवन है। तो देखो फंसा लेगा, बता रहा हूं इसी जनरेटर में। तो अगर क्वाइल का एंगल गिवन है लेकिन आपको एंगल एरिया वेक्टर का गिवन है बी के साथ, तो 90 में से 60 माइनस करके यहां पर जो भी आंसर आएगा, फिर आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है, एन बी ए ओमेगा साइन ऑफ 30 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो ट्रिक समझ में आ रहा है वो कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं? जैसे आर्मेचर ऑफ अ जनरेटर, देखो ये तो पता लग रहा है एसी जनरेटर, आर्मेचर ऑफ अ जनरेटर हैज नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, हाउ फास्ट का मतलब है ओमेगा, या फिर फ्रीक्वेंसी निकालना, मैग्नेटिक फील्ड पता है, पीक वैल्यू, पीक वैल्यू को क्या बोलते हैं? मैक्सिमम वैल्यू। ई नॉट गिवन है जो कि क्या होता है? एन बी ए ओमेगा। ई नॉट पता है, ये पता है, पता है, पता है, ओमेगा आएगा, ओमेगा से 2π² फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। मेथड समझ में आ रहा है यहां तक? फिर से पीक वैल्यू का मतलब मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला यूज करना है इसमें जनरेटर का। ठीक है यहां तक? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट है सर्कुलर क्वाइल ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्या गिवन है? एरिया, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या गिवन है? नंबर ऑफ टर्न्स, एंगुलर स्पीड ओमेगा, बी
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन दी कॉइल, भाई मैक्सिमम वैल्यू करंट क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ क्या है, एनबीए ओमेगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट क्या होगा, ईएमएफ को रेजिस्टेंस से क्या कर देना है डिवाइड, तो क्या आएगा एन बी ए ओमेगा बाय आर। प्रॉब्लम ये है इस क्वेश्चन में, एन पता है, बी पता है, ए पता है, ओमेगा पता, आर नहीं पता, तो अपना आंसर आर की फॉर्म में छोड़ देना, यही आंसर है, ये खुद आर की फॉर्म में छोड़ रहे हैं, देना भूल गया लगता है आर, पर अगर अगर आर दे देता तो फिर आप ई नॉट बाय आर करके ई आई नॉट निकाल लेते हैं। समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, कोई डाउट इसमें, क्लियर है। नेक्स्ट फोर्थ के बाद क्वेश्चन नंबर फाइव, मैक्सिमम ईएमएफ निकालनी है, क्या करना है, एन बी ए ओमेगा लगा लेना, आंसर होगी हीट कंप्लीट। फिर वो कह रहा है कि मैक्सिमम पावर भी निकाल दो, मैक्सिमम ईएमएफ आ जाएगी, मैक्सिमम करंट आ जाएगा, मैक्सिमम ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड करके, तो पावर क्या होता है, ई नॉट इंटू आई नॉट, वोल्टेज इंटू करंट पावर आएगी, बस एक्स्ट्रा स्टेप है इसमें।